एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ नहाने। उससे पहले, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो डेली सुबह सुबह आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ मैं। नहाने से 5 मिनट पहले आपको ये यूज़ कर लेना है और आपको ड्राई स्किन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सर्दियाँ जो है ना वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करो तो सूखा सूखा सा रहता है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज़ है जो आपके घर में, आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी आपको, आपको सिर्फ यूज़ कर लेना है। तो मैं बताती हूँ कि वो क्या है। ये है मेरे पास कच्चा दूध, कच्चा दूध है ये, और इसको आपको कैसे यूज़ करना, अब आप ये मत पूछिएगा कि इसमें कितने चम्मच मिलाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। आपको जितना आपका स्किन अब्जॉर्ब कर सके, जितने आपके हैंड्स अब्जॉर्ब कर सकें, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको ले लेना है, आप अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। ये मैंने लिया है कॉटन बॉल, आप चाहें तो कॉटन बॉल से यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिनके फेस पे पिंपल्स हैं वो इस तरीके से यूज करें। मोस्टली मैं तो ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूं, मैं तो सीधा सीधा इसको हाथ में लेती हूं, इस तरीके से लगा लेती हूं और उसके बाद 5 मिनट इससे मसाज कर लेती हूं। तो ये जो मिल्क है ना, ये आपकी स्किन से, जो आपकी स्किन के ऊपर सूखा सूखा ड्राई स्किन जो होती है ना, डेड स्किन जो होती है, कभी आप यूज करो, सॉरी, आप कभी आप देखो कि जब आप कोई क्रीम लगा लेते हो तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पपड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई पपड़ी पड़ी हुई है, ऐसा दिखता है। अगर ये मिल्क आप रेगुलर यूज करते हो नहाने के पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके स्किन को ब्लीच भी करता है, आपके स्किन को शाइनी यानी कि चमकदार बनाता है, शाइन रहता है। और आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब सर्दियों में जो है ये आपकी स्किन को निखारेगा, साथ ही साथ ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर कर देगा, आपकी स्किन को पूरा दिन मॉइस्चराइज रखेगा अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो तो। इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जब आप नहाने जा रहे हो मॉर्निंग में तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क ले लेना है, आप अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। 5 मिनट में ये सूख जाता है, बस थोड़ा सा इसको इस तरीके से मसाज कर लेना है फेस पे, ये देखिए इस तरीके से। भाई ये करने से पहले घर का ही कपड़ा पहने, मैंने भी वही पहना है जो मैंने घर में पहना है, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं था। और ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह फेस पे, फेस आप एक बार वॉश करने के बाद ये यूज करें। अगर आप ये रेगुलर यूज करते हैं ना आपकी स्किन दिन भर मॉइस्चराइज रहेगी और सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट। और रेगुलर यूज करने के बाद ना आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, मुहासे भी अगर निकलते हैं आपको तो मुहासे भी निकलना बंद हो जाएंगे। आप अपने फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको हल्के से ऐसे लगा लेना है। ये जो बहुत अच्छा क्लींजर होता है, स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है, जैसे आप क्लींजर से स्किन क्लीन कराते हैं अगर डेली इसको करते हैं। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ये देखिए, ये मैंने यूज़ कर लिया है, बस आप इसे एक हफ्ता इस्तेमाल करके देखिए। हर दिन जब सुबह नहाने जा रहे हैं तब आप इसको यूज़ कीजिए, सिर्फ एक हफ्ते। मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या ही बोलोगे, आपकी स्किन क्या दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नुस्खा है भाई ये, आप यूज़ करके देखो, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताओगे, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ ये यूज़ करो और आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाओ, सर्दियों में स्किन का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।